देखो सेंटर ऑफ मास की अगली शीट है जिसमें कि ये टी वाला डायग्राम था, ये ऑलरेडी हमने शीट में किया हुआ है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया था, मैंने शीट में सॉल्व किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं और रेस्ट पे हैं। अगर रेस्ट पे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, तो दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आते हैं। तो कौन सी अट्रैक्शन है? इंटरनल फोर्स है, मैंने जाके धक्का नहीं मारा, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो उनकी इंटरनल फोर्सेज उनको पास लेके आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक की स्पीड वी, एक की टू वी, तो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? क्योंकि देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी किस पे रहेगा? एट। तो इंटरनल फोर्सेज से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्सेज से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होती है, क्योंकि यहां पर इंटरनल फोर्सेज हैं, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वो जो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन किया था ना कि एक का मास 10 है और एक का 4 है और एक की वेलोसिटी 14 है, एक रेस्ट पे, सेम क्वेश्चन रिपीट है, उसमें डायग्राम बना था, इसमें डायग्राम नहीं बना, तो ये रिपीट है, इसको करने की जरूरत नहीं, रिपीट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से रिपीट, वो स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम फिर से रिपीट होगी, दो तीन बार क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये इस क्वेश्चन को देखो, हमने क्लास में किया हुआ है, तीन आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आपको याद होगा फिगर एक्चुअल में ऐसी है, ये पहली बॉल है, ये दूसरी बॉल है और ये तीसरी बॉल, ये तीनों के सेंटर्स हैं। मैंने सेंटर को ज्वाइन किया है और याद करो मैंने सेंटर ऑफ मास निकालने को कहा था और एक कॉर्नर को ओरिजिन लेते थे हम। तो सेंटर ऑफ मास ये याद रखना, हमेशा इनके जो मीडियंस होते हैं ना, जहां मीडियंस मीट होते हैं वहां पर लाई करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी मीडियंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन पे लाई करता है, ये रिजल्ट डायरेक्टली भी लग सकता था पर हमने किसी और तरीके से किया था मैथमेटिकली, तो याद रहेगा यहाँ तक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, याद ही करना है, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन, सेंटर ऑफ मास का कोई भी फॉर्मूला देख लो उसमें एम आता है, आर आता है, उसमें एफ आता है नहीं, फोर्स तो नहीं आती, तो इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल, क्योंकि आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है, एफ तो बीच में आता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन बनेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ऑन दी पार्टिकल्स। 7th क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन अगला लेक्चर का काम है पर एक सेकंड में बता देता हूँ, बीच में आ ही गया जब, वो क्या, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं एट अ हाइट ऑफ एच, एच हाइट पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये स्फेयर घूमे, ताकि ये घूमे। तो वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है वो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लेके आनी है तो किन पे डिपेंडेंट है? देखो एक चीज याद रखना, ये नेक्स्ट लेक्चर में जो करवाना है, जब एक टायर रोल करेगा, स्फेयर रोल करेगा, रिंग रोल करेगी, सेंटर ऑफ मास हमेशा स्ट्रेट मूव करता है, टायर घूम रहा है उसका बिल्कुल सेंटर देखना, सेंटर सीधा जा रहा है, बाकी सारे पार्टिकल सेंटर के अबाउट घूमते जा रहे हैं पर उसका सेंटर आपको ऐसा दिखेगा। तो जो सेंटर होता है ना, जहां पर पूरा मास पड़ा होता है, सेंटर ऑफ मास, वो हमेशा कौन सी मोशन में होता है? ट्रांसलेशन में होता है, और बाकी पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, ऐसे होती है रोटेशन। तो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में तो इक्वेशन ही एक अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन में टॉर्क का कोई काम है ही नहीं, तो इसलिए एक्सेलेरेशन क्या होगी, फोर्स अपॉन मास, इसमें एच का आर का कोई लेना देना है ही नहीं, आप कहीं मर्जी फोर्स लगा लो सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेशन मोशन में ही होता है, तो ट्रांसलेशन मोशन में एफ फोर्स है और ट्रांसलेशन मोशन में शेप मैटर ही नहीं करती, पॉइंट मास होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए लगा के ए कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है? हालांकि ये कॉन्सेप्ट अगला लेक्चर है तो अगले लेक्चर में देख लेंगे, अभी छोड़ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है अगेन पिछली शीट का, कि अगर मान लो दो पार्टिकल्स हैं, मासेज m1 m2 हैं, पुश टुवर्ड सेंटर ऑफ मास वन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ d
तो दूसरा कितने डिस्टेंस से मैं शिफ्ट करूं ताकि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। हमने भी क्या डिस्कस किया था, अगर मैं M1 हूँ, M2 है, हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अगर मैं D1 पास आता हूँ, ये D2 पास आता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं करवाना, M1 D1 = M2 D2। ये वही क्वेश्चन है सेम, और D2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट तो क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ रहा है कि क्या इसमें लगेगा, तो समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें रिपीट होती जाती हैं अगर बार 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 क्वेश्चन किए जाएँ। ये एक क्वेश्चन है, रॉड वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, रॉड वाला क्वेश्चन शीट में किया था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाला। इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कर दिया, एक्स्ट्रा भी क्या किया, कुछ नहीं किया। रॉड हैज अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर की रॉड की लेंथ है, एंड मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मैंने गलती से रो ले लिया, मुझे यहाँ लैम्डा लेना चाहिए था, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ डेंसिटी को क्या बोलते हैं, लैम्डा। मास पर यूनिट एरिया को बोलते हैं रो, मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं, मास अपॉन लेंथ को बोलते हैं लैम्डा, मास अपॉन एरिया को बोलते हैं सिग्मा, और मास बाय वॉल्यूम को बोलते हैं रो। तो मैंने गलती से रो ले लिया, मुझे लैम्डा लेना चाहिए। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एक्स, ये गिवन है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या, के सम कॉन्स्टेंट इन टू एक्स, बना लिया लैम्डा। और फिर मास क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, ये बाकी क्वेश्चन सेम है जैसे हमने वो रॉड वाला क्वेश्चन किया था ना, बस फर्क ये था कि उसमें ये गिवन था, इसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एक्स है, बात वही है, आंसर भी इसका वही है। तो जो आप रॉड वाला शीट में क्वेश्चन रिवाइज करेंगे एग्जैक्टली उसी की कॉपी है, कोई चेंज नहीं है, तो इसको करने का फायदा नहीं है, वहीं से करना। दो बॉडीज हैं, एक 1 kg, एक 3 kg, तो क्या गिवन है, M1 गिवन है, M2 गिवन है, एक का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर गिवन है, एक का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर गिवन है। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आसान तो है, M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, इजी है। तो ठीक है यहाँ तक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, ये समझ में आ रहा है, किया हुआ है क्या हमने ये क्वेश्चन, कि अगर दो इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आता तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सही है। फिर वही सेम कहानी, फिर ये क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में पूछा हुआ है, किया हुआ है, लेकिन एक बार मतलब ऐसा क्वेश्चन को पूछा किसी और तरीके से, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, दो टू पर्सन्स हैं, एक 55 kg और एक 65 kg, और दोनों बोट के दो कॉर्नर पे बैठे हैं, 55 kg और 65 kg, ठीक है, और लेंथ ऑफ द बोट गिवन है, मास ऑफ द बोट गिवन है, 55 kg मैन खड़ा होता है और 65 के पास जाके बैठ जाता है, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम क्या हुआ। सुनने में लगता है कि अगर एक मास दूसरे के साथ जाके बैठ गया तो सेंटर ऑफ मास भी वहीं चला जाएगा, पर ये बोट है, जब वो बंदा उधर जाएगा तो बोट पीछे आएगी, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर बोट में मैं इधर जाता हूँ तो बोट बदले में पीछे आती है, और अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो हमने किया था क्लास में, सेंटर ऑफ मास बाद में भी किस पे रहता है, एट रेस्ट। तो वही अगर बोट में चलते हो, बोट पीछे आ रही है, तो मैन के आगे चलने से बोट उतना ही पीछे आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले भी रेस्ट पे, अब भी रेस्ट पे, बिकॉज जब मैन चलेगा इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट